आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। मेंशन कर रखी है यहाँ पे कम से कम 5:30 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेंगी। इट मीन्स आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पोजीशंस आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, कितना अमाउंट रहेगा, कैसे पे किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, डिटेल मैंने कवर कर दिया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। यहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी इंग्लिश एज वेल एज गुजराती लैंग्वेज में, तो जिस पे लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है इन अक्टूबर, दैट इज़ 2nd of October। उसके अलावा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, प्लस यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी वो डिटेल भी दे रखी है। तो पे लेवल आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फिक्स सैलरी होगी 40,176 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। उसके बाद वो देखेंगे कि आपको ये सैलरी बढ़ाएगी, आपकी जॉब फिक्स होगी, वो डिपेंड करेगा। एंड सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से कवर हो रहे हैं, तो टोटल 27 डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। 531 पोस्ट रहेंगी आपकी। डिपार्टमेंट है फर्स्ट इकोनॉमिक्स, 78 वैकेंसी है, इंग्लिश में 58, ज्योग्राफी में 7, गुजराती में 61, हिंदी में 32, हिस्ट्री में 19, इंडियन कल्चर में 1, पॉलिटिकल साइंस में 4, साइकोलॉजी में 21, संस्कृत में 26, सोशियोलॉजी में 13, कॉमर्स या अकाउंटेंसी में 130, स्टेटिस्टिक्स में 18, होम साइंस में 11, होम साइंस FSN में 3, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में 2, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 1, ह्यूमन डेवलपमेंट में 1, फिजिकल एजुकेशन में 1, लॉ में 22, जर्नलिज्म में 1, गुजराती मेथड में 1, इंग्लिश मेथड में 7, सोशल साइंस मेथड में 5, साइंस मेथड में 2, मैथ्स मेथड में 5, कॉमर्स अकाउंटेंसी मेथड में 1। तो टोटल आपकी पोस्ट हो जाती है 531। ठीक है, इवन यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, वो आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD तो नहीं, लेकिन नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है ये आपकी। मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक दे दूंगी, आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई करते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अप्लाई की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कहीं आपको जैसे एडुकेशन या बीएड के सब्जेक्ट्स है तो उसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको डिटेल दे रखी है, तो आप अच्छे से रीड करिएगा, आपको प्रॉपर डिटेल देखने को मिल जाएगी। बाकी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।